नमस्कार दोस्तों, मेरी छत की गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखो, मैंने अपने गार्डन में सरसों के दाने अपने मसाले दाने से लेके लगाए थे, और अभी मैंने सब्जियां और फ्रूट तो उगाना शुरू किया था, साथ साथ मैंने ऑर्गेनिक मसाले भी उगाने शुरू कर दिए अपनी छत से। और इसकी शुरुआत की है मैंने मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों के दाने। अक्टूबर के महीने में मैंने इन सरसों के दो चार दानों को अपनी छत पर उगाया था। इसका मैंने सर्दी में कई बार पत्ते हार्वेस्ट करके साग बनाया, और हरे साग के, सरसों के साग के कितने सारे बेनिफिट हैं ये आप सभी जानते हैं कि हरी पत्तीदार सब्जियां हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। अब ये सरसों पक गई थी फरवरी माह में, और इस तरह से जब ये पीले पीले हो जाए, ब्राउन कलर के हो जाए, तो मैंने इनको हार्वेस्ट करके फरवरी माह में सुखा दिया था। अब एक हफ्ते के लिए मैं इसको रख दूंगी, और एक हफ्ते बाद मैं इसको क्रश करके इसके दाने निकाल के निकाल लूंगी। छत पर मसाले उगाने का एक अपना फायदा, सरसों के दाने, एक तो ताजी ताजी ऑर्गेनिक आप सब्जियां खाएंगे पत्तियों की, बाजार से जहरीली सब्जी खाने से आप बचेंगे। पता नहीं वो कैसे कैसे केमिकल डाल के सब्जियां उगाते हैं, लेकिन आप अपने छत पर बिल्कुल ऑर्गेनिक ताजी सब्जियां उगाकर खा सकते हैं। और ये देखो, सरसों मैंने हार्वेस्ट कर लिए, साथ में दूसरे फुटाव भी कर रही है, और मैं इसको दो बार करके हार्वेस्ट करूंगी। आज ब्राउन कलर की जितनी भी फलियां, पहले मैं इनको हार्वेस्ट कर लूंगी। ये काट कर मैंने जो सुखा दी थी एक हफ्ते के लिए, ये देखो मेरा पोता और मैं इसको क्रश कर लेंगे, और हल्का हल्का क्रश करने से इसके दाने फलियों से बाहर आ जाएंगे। ये मेरा पोता मेरे साथ मेरी मदद कर रहा है। सरसों के दाने निकल जाएंगे सारे इसमें से हल्का हल्का क्रश करने से ही, और इसको नीचे से अभी मैं दिखाऊंगी कि आपको दाने निकल जाएंगे, और बहुत सारे दाने। मुझे पूरे साल सरसों के दाने बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। इसकी तड़के की, जब सब्जी अपने घर की सरसों की तड़का लगाते तो उसकी बात ही कुछ होती है। पास्ता में, कढ़ी में और कई चीजों में हम इसकी सांभर में, और इसी मस्टर्ड का, इसी सरसों का जो हम सरसों का तेल खाते हैं, वो इसी सरसों से दोस्तों तेल निकलता है। और ये देखो, पूरे साल मैंने दाने निकाल लिए हैं, और थोड़ी सी कई प्रोसीजर के बाद इसको दानों को साफ करना पड़ेगा। पहले ये, अब ये छोटे छोटे दाने, और इसके बाद जो ये वेस्ट होगा इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं। ये ताजी सरसों उगाने के कई फायदे थे। जब इसके पीले फूल आते थे तो मेरे छत पर पोलिनेशन बहुत ज्यादा आने लगे थे, मधुमक्खियाँ, गार्डन में तितलियां बहुत सारे आने लगी थी। ये देखो दाने बिल्कुल साफ सुथरे, सरसों के मस्टर्ड के दाने कितने सारे दाने निकले हैं, और बिल्कुल हेल्थी बढ़िया दाना है। इसको मैं बीज के लिए भी रखूंगी। अगली सर्दी में जब सरसों का साग होगा तो मैं इसको बीज के लिए भी इस्तेमाल करूंगी। किसी को मेरे से ये चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है बीज के लिए, दिल्ली में अगर मेरे आसपास कोई रहता है। और मैं इसको पूरा साल, मुझे बाजार से मसाले के लिए सरसों नहीं लानी पड़ेगी। ये देखो मैंने क्रश करके पूरी तरीके से इस सरसों के दानों को हार्वेस्ट किया। सरसों को मैंने फरवरी के आखिरी माह में काट कर रख दिया था, और करीब करीब 10-12 दिन धूप में सुखाने के बाद अब ये जिससे कि इजिली क्रश होके निकल गया, एक हफ्ते के लिए धूप में छोड़ दिया था काटने के बाद। अब ये देखो दाने, मेरा पोता देखो दाने हाथ में दिखा रहा है, कितने सुंदर दाने, और कितना खुश हैप्पी हो रहा है, और चश्मा हटा हटा कर देख रहा है, अम्मा ये क्या है। बहुत शैतान मेरे साथ, सुबह से कह रहा था अम्मा ब्लॉग बना लो, ब्लॉग बना लो। अब ये देखो मैं इस सरसों के छिलकों को जो निकले हैं, इस वेस्ट को भी नीचे इसमें अपने ग्रो बैग में भर दूंगी। ये खाद का काम भी करेंगे मेरे पौधों में, और ये मुझे वेस्ट फेंकना भी नहीं पड़ा। ये हल्का भी रखेगा मेरे गमलों को, और इसका यूज भी हो गया, दाने भी, आम के आम और गुठलियों के दाम, और ये मेरे पौधों को पौष्टिकता भी देगा।